सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर से और एक बार प्रभु ने ये सुंदर अवसर को दिया आप लोगों के बीच में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को बोने के लिए प्रभु ने मुझको इस माध्यम किया और आप लोगों के बीच में आज भला चंगा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी भले चंगे रहेंगे, प्रभु की महिमा आप लोगों के जीवन में भी जरूर कार्य करेगा। आइए हम लोग उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखेंगे। ज्यादा समय को हम ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग प्रार्थना के और जाए, उसके चरणों के और जाए, प्रभु हमारे जीवन में बातें करेंगे। जीवित परमेश्वर, तेरे धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन तू बातें कर प्रभु जी, उनके हृदय में तू बातें कर प्रभु जी। आज की वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर, आज की गाने और आराधना के माध्यम से केवल तू ही महिमा पाए पिता। दया, सच्चाई, अनुग्रह हर एक के जीवन में आने पाए, ऐसे तू दया कर पितामेश्वर। इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग पितामेश्वर यहाँ पर बैठ देख रहे हैं पितामेश्वर, उन सबों को पितामेश्वर तू आशीषित कर और उस वचन के चलने के लिए उनकी सहायता हो पिता, उनके मददगार बन के उनके संग संग हो ले प्रभु जी। दया अनुग्रह कर, सारे आदर में जलाल तुझको देता हूँ पिता। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दे दिया पितामेश्वर, तेरे धन्यवाद देते हुए, सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग पूर्ण गाना को गाएंगे, सबको जानने वाले गाना को हम लोग गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप जहीं कहीं भी हो, आप रूम में हो या ऑफिस में हो, जहीं के भी हो, दिल से आप प्रभु को पुकारे। अगर आप घर में हैं, परमेश्वर हमारे साथ, आप भी गुनगुनाएं और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। पुण्य गाने को हम लोग गाएंगे। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हूँ। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तूने बनाई सारी सृष्टि कितनी सुंदर है, पृथ्वी तेरे गुण गाते गाता है मेरा मन। तूने बनाई सारी सृष्टि कितनी सुंदर है, पृथ्वी तेरे गुण गाते गाता है मेरा मन। निर्जन हारा पालन हारा तेरी जय जय हो। निर्जन हारा पालन हारा तेरी जय जय हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हूँ। यीशु हिफाजत करता मेरा, देगा जीवन जल, क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, यहोवा ही है। यहोवा शालम तेरी जय जय हो। यहोवा रापा यहोवा शालम तेरी जय जय हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ
हालेलुया 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 गाए हम यीशु है महान जय जय गारू यीशु है महान हालेलुया। सर्वशक्ति पिता परमेश्वर की हम महिमा करें। आइए हम लोग कुछ समय के लिए आंखों को बंद करें, उसके बाद हम लोग वचन की ओर जाएंगे। जीवित परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर, केवल वो सुनने वाले नहीं बल्कि तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाए। ऐसे तो उनके जीवन में तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनके जीवन तू बातें कर, उनको तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देखें पितामेश्वर, उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर, उनके बीमारी को, उनके रोग को, उनके कष्ट को, उनके दुख को तू उठा ले पितामेश्वर। दया कर पितामेश्वर, हर एक जीव तू कार्य कर पितामेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए तू हमसे बातें कर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उस वचन के द्वारा उनको आशीषित होने पाए, तू कार्य कर पिता। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपन करता हूँ पिता, मैं नहीं ये बल्कि पवित्र आत्मा, तू हमारे संग संग बातें कर। सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं, तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है। विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रिय को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने सुंदर अवसर को दिया, उसके प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप लोग हेडिंग को पढ़ के समझ के रहेंगे कि हेडिंग में दिया गया है बाइबल से हम क्या सीखते हैं कि नया पुनर्जन्म क्या होता है। हालेलुया। इसके विषय में हम लोग समझेंगे। हम जानते हैं बाइबल में निकोदमस बोल के एक व्यक्ति था, वो यहूदियों का सरदार था। हालेलुया। हम लोग इसको पढ़ते हैं यूहन्ना 3:1 से हम लोग 1-7 तक अगर पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। फरीसियों में से एक निकोदमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह एक बार कहते हैं कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से ना जन्मे। हालेलुया। ये बहुत ही, जब ये इस वचन को मैं देखता हूँ सांसारिक और मैं जब मैं इसको देखता हूँ तो बहुत कष्ट चीज होता है कि नए सिरे से जन्म कैसे होगा। निकोदिमस भी क्या पूछता है, निकोदिमस भी बोलता, 4 में हम जब पढ़ते हैं, निकोदिमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है। हालेलुया। पुनर्जन्म तो नहीं हो सकता, बुढ़ा हो गया तो फिर से वो कैसे वो अपने माँ के पेट में आ सकेगा। मेरे प्रियो, हम जब यीशु मसीह का, जब यीशु मसीह इस उत्तर को क्या देता है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा के द्वारा हमको जन्म लेना है मेरे प्रियो। हालेलुया। जन्म लेना है, एक नए सिरे से हमको जन्म लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नए सिरे से हमको जन्म लेना है, तो ये जन्म कैसे होना है, आत्मा और जल से। आत्मा है पवित्र आत्मा और जल है बपतिस्मा के द्वारा हमको लेना है। हालेलुया। ये दोनों चीज एक मसीह जीवन में, एक क्रिश्चियन जीवन में, ये दोनों चीज होना अनिवार्य है, मतलब उसको आपको लेना पड़ेगा, बॉन्डेज है। अगर ये दोनों चीज को ना लेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उस स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। ये दोनों चीज मुख्य इम्पोर्टेंट चीज है। हालेलुया।
बपतिस्मा और पवित्र आत्मा, आत्मा के द्वारा आपको बपतिस्मा दोनों को लेना है। इसलिए यूहन्ना कहता है, बपतिस्मा देता हूँ यूहन्ना, मैं तो तुम्हें जल में बपतिस्मा देता हूँ, मगर वो जो मेरे बाद आता है वो तुमको कैसे बपतिस्मा देगा? आग से बपतिस्मा देगा। और मनुष्य के द्वारा तो आप जल से बपतिस्मा लेंगे, मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हमको जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसका अर्थ नहीं कि पवित्र आत्मा मिल गया आपको अन्य भाषा मिल जाएगा, नहीं नहीं वैसे नहीं है। विश्वास करने वाले आत्मा का फल, नौ फल है ये, जग रहा है तो आप आत्मा का बपतिस्मा आपको मिल चुका है। हालेलुया। ये आत्मा का बपतिस्मा आपको मिल चुका है, प्रेम भलाई सब ये अगर आपके जीवन में है, नौ फल गलत या पांच का अध्याय में हम लोग जब पढ़ते हैं, तो ये जब हमारे जीवन में होता है तब हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर का वो अग्नि का बपतिस्मा हमारे जीवन में है। हाँ, जल का बपतिस्मा हमको लेना जरूरी है। हम जल का बपतिस्मा कब लेते हैं? जब इंसान सही रीति से समझ जाए। आजकल के बहुत तरह के बपतिस्मा हो गया, कोई बचपन से बपतिस्मा दे दे, किसी को छोटे अवस्था में बपतिस्मा दिया जा रहा है, किसी को उसके माइंड मैच्योर नहीं हुआ है उसको बपतिस्मा दिया, पाप पुण्य क्या चीज होता है इसको पता ही नहीं हो, सब लोगों को बपतिस्मा दिया, कोई छिड़काव का बपतिस्मा दे रहा, विभिन्न रकम का बपतिस्मा निकला है मेरे प्रियो। मगर हमको देखना है बपतिस्मा कैसे लेना है। हम लोग जब देखते हैं बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में बपतिस्मा लिए, पानी में डूब के लिए। आज हम बपतिस्मा को अनेक प्रकार का करे लिए हैं। हालेलुया। डूब के लेना मतलब एक समाधि, इसका टॉपिक अलग हो जाएगा, फिर भी मैं आप लोगों को हिंट से थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जब हम कब्र दिया जाता है तो उस व्यक्ति को पूरा मिट्टी से ढाक दिया जाता है, उसी तरह बपतिस्मा जब हम देते हैं, जो व्यक्ति पानी में डूबता है तो संपूर्ण रीति से वो डूबना चाहिए, जब उठता है तो वो नया व्यक्ति कहलाता है। और बपतिस्मा, बहुत लोग बोलते हैं कि बपतिस्मा लेना सही है कि गलत है, बपतिस्मा लेना आपको अनिवार्य है मेरे प्रियो। बपतिस्मा लेंगे ही तो आपके लिए वहां पर रास्ता खुलेगा, आपके लिए स्वर्ग में रास्ता खुलेगा। इसका अर्थ नहीं कि मैं पाप करते जाऊं बपतिस्मा ले लूं, नहीं। बपतिस्मा कौन व्यक्ति ले सकता है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, अपना जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ लिया है, ऐसे ही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेगा। और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार उसको फॉलो करता हो, ऐसा व्यक्ति ही बपतिस्मा लेना जरूरी है। और अपने आप से प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा, वही व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। इसीलिए निकोदेमस को प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो ये दोनों चीज को हमको जरूर लेना है मेरे प्रियो, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। जी, दोनों चीज को हमको लेना पड़ेगा। शरीर से भी क्या है, हम लेते हैं तो शरीर के लिए हमको बपतिस्मा चाहिए, आत्मा से हमको जीने के लिए हमको क्या चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक को चाहिए। अचंभा ना कर कि मैंने तुझे इससे कहा, मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। यह असंभव होने का, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। मैं आठ को भी पढ़ देता हूँ। हवा जिधर चाहती है उधर चले जाती है, और तू उसका सब सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर जाता है। जो कोई आत्मा से जन्मता है वो ऐसा ही होता है। हालेलुया। प्रभु से जो प्राप्त है, प्रभु को जो जानता है, उसके जीवन में इसी तरह से होता है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, जब कभी भी आप संकोच करते हैं कि बपतिस्मा लेना ठीक है कि नहीं, नया सिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा। कोई सोचता है कि पुनर्जन्म की बात तो नहीं होता है। हालेलुया। पुनर्जन्म की बात ही नहीं है, पुनर्जन्म क्या है, रिसाइकलिंग जिसको कहा जाता है। हम एक प्लास्टिक को, कुछ बोतल को हम लेते हैं, उसको रिसाइकलिंग मतलब
उसी प्रोडक्ट को, उसी चीज को हम दोबारा से करते हैं। मगर पुनर्जन्म को भी तो वही चीज हुआ ना, रिसाइकलिंग। मगर आज हम देखते हैं दुनिया में साइंस की दृष्टि में देखते पुनर्जन्म का नहीं है साइंस। अगर रिसाइकलिंग बोलने जाएंगे तो मानव जाति दिन के दिन प्रति क्या हो जा रहा है, ग्रोथ होते जा रहा है और रिसाइकलिंग नहीं हो तो बढ़ते जा रहा है। अगर पुनर्जन्म है तो वो उसको स्थिर रहता, 10,000 आदमी है तो 10,000 ही रहता, उसको बढ़ना नहीं चाहिए था। मगर ये बढ़ते जा रहा है, किस लिए बढ़ रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है। मगर ये पुनर्जन्म अलग पुनर्जन्म के बात बोल रहा है। हालेलुया, आत्मा शरीर का पुनर्जन्म, आत्मा से हम पुनर्जन्म, एक नया सिरे से आपको जन्म लेना है, नया मनुष्यत्व को पहनना है। हालेलुया, नया मनुष्यत्व को, आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका गुण, आपका हर एक विषय क्या होना है, चेंजनेस आपके जीवन में होना जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया, तभी आप एक उत्तम व्यक्ति बन सकते हैंगे, तभी आप परमेश्वर के राज्य का वारिस बन सकेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, आज लोग क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, पवित्र आत्मा का वरदान को भी पा ले रहे हैं, वो ब्लैक स्लाइड हो जा रहे हैं, पीछे मुड़ जा रहे हैं मेरे प्रियो। वैसा नया जीवन नहीं, नया जीवन अर्थ, आप अगर सिगरेट पीते हैं तो वो त्याग करेगा, झूठ बोलते हैं तो झूठ बंद करेगा, गाली गुच्छा देते हैं तो गाली क्या करेगा, वो बंद करेगा, दूसरों के बारे बुरा वाला बात करने वाले वो परिवर्तन होके प्रभु के पास आएंगे। ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव से वो क्या हो जाएगा, उसकी चेंजेस आ जाएगा, उसको कहा जाता नया जन्म। वो आत्मा के द्वारा चलाए करेगा, आत्मा के द्वारा वो चलेगा, ऐसा व्यक्ति ही प्रभु के राज्य का लिए बारिश बन सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया, आइए हम लोग और वचन को पढ़ते हैं, रोमियो 8:1 हम लोग जब 4 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जब अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आज अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, हर एक विषय से क्या कर दिया है, आपको स्वतंत्र कर दिया जीवन की आत्मा से। और हम जब पढ़ते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया, शरीर की इच्छा नहीं बल्कि आत्मा की इच्छा से हमको चलना है। हालेलुया, आत्मा का आपको तो बहुत कुछ बोलेगा, चल आज वहां पर जाएंगे मौज मस्ती करने, चल कोई शराब पी लेते, कोई यार नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं यार, शराब पी लेते, आपको आत्मा तो बहुत कुछ बोलेगा, विचार कर लेते हैं कुछ नहीं होगा, पाप कर लेते कुछ नहीं होगा, चोरी कर लेते कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा चुराने से क्या होगा, शरीर आपको बहुत कुछ बोलेगा। मगर आत्मा से अगर आप चलाए चलेंगे तो आप, हाँ शरीर के लिए दुख लगेगा, शरीर के लिए कष्ट लगेगा, मगर परमेश्वर के लिए विजयता होगा। हालेलुया, आप जिसके लिए कर रहे हैं ये शरीर का लाभ के लिए भी कर रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, जब आप पाप से दूर भागेंगे तो शरीर का भी फायदा है, कैसे फायदा है, अंत के दिनों में ये शरीर भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया, जिस शरीर को आत्मा को भी परमेश्वर क्या करेगा, नया कर देगा, और अगर पाप करेंगे तो आत्मा भी नष्ट होगा, शरीर भी नर्क में आग में झुलसेगा मेरे प्रियो। इसलिए हर वक्त नए सिरे से हमको जन्म लेना है। हालेलुया, एक बार नहीं, आपको बार 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 आपको जन्म लेना है प्रभु यीशु में। हालेलुया, जहां कहीं भी जा रहे आपको उठने बैठने हर एक वक्त में क्या करना है, प्रभु की स्तुति, प्रभु के धन्यवाद देना है, प्रभु की महिमा करना है, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप उस प्रेम के लिए आप आज तक यहाँ पर है, जीवित है, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, इसलिए प्रभु आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। रिखाला बाशुदुल्लु खुरियारा, वही परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करेगा। जो परमेश्वर मुझको संभाला आपको भी क्या करेगा, संभालेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, मैं लगभग
सात क्लास में पवित्र आत्मा का अभिषेक को मिला मेरे को, मगर पाप के कारण मैंने दूर चला गया था प्रभु को। दोस्तियारी जिसको कहा था, गलत संगति में मेरा मिलावट होने लगा और उसके वजह से मैं परमेश्वर के साथ मेरा सहभागिता कमने लगा, गलती से मैं चलने लगा, मगर प्रभु का महान अनुग्रह दया मेरे ऊपर था बोल के प्रभु ने मुझको उस दल से भी निकाल के उसके राज्य के लिए, उसके कार्य के लिए मुझको सौंपा, प्रभु ने जब चुना। हालेलुया, आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके हृदय में भी काम करेगा। इसलिए सबसे पहला प्रण नए सिरे से आपको जन्म लेना है साहिब, सबसे पहला पॉइंट, कोई भी हो जाए, वो मसीह हो जाए, अन्य कोई कास्ट का भी हो जाए, बौद्धिस्ट, ख्रिस्टी, मुस्लिम, ईसाई, जो कोई भी हो, क्रिश्चियन भी नए सिरे से नहीं जन्म लेता है, माँ के गर्भ से जन्म जात से क्रिश्चियन होने से क्रिश्चियन नहीं होने होगा, मगर जब वो नए सिरे से जन्म लेना है, मतलब उसके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और अपने जीवन में हर एक पाप को छोड़ना पड़ेगा, तब वो नए सिरे से जन्म लेता है मेरे प्रियो, नए सिरे से जन्म लेता है। और आपके जीवन में प्रभु क्या करेगा, एक नया सिरा से आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में रख लीजिए, मैं बार बार यही बात को दोहराता हूँ, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में परमेश्वर के हाथ में रख लीजिए। उसके हाथ में रह गए ना तो आपको कोई भी दुख तकलीफ आने से भी प्रभु आपको संभाल लेगा। हालेलुया, जो कोई उसके हाथ में आ जाएगा तो कहां से डर होगा, जो सारे सृष्टि का मालिक परमेश्वर है, आपको रचने वाला परमेश्वर है, ये आकाश हर एक विषय को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हम सबको बनाने वाला परमेश्वर है, उससे भाग के कहां जाएंगे हम, उसके हाथों में आ जाएंगे तो वो हमको छूने वाला है। हालेलुया, आइए उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को और अपने मन को रख दे, क्योंकि परमेश्वर का समय अति सन्निकट है मेरे प्रियो। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में इस तरह से सौंप दीजिए कि प्रभु आपको अपने साथ आपको जोड़ ले। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ गए तो प्रभु आपको आशीषित करेगा मेरे प्रियो। आइए हम लोग सबको आंखों को बंद करें और आज से अपने जीवन को बोलिए कि प्रभु मुझको नया बना दे, मेरे बोलचाल को नया बना दे, मेरा उठना, हम मेरा बैठना, मेरा सोचना, मेरा समझना, हर एक विषय से मेरा देखना, मेरा बोलना, हर एक विषय को तू नया बना दे प्रभु। हालेलुया, तेरा आंख से, तेरा पानी से मुझको नया बना दे। हालेलुया, कोई अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं मिला तो मांगिए प्रभु से, प्रभु आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक को देगा। ओ मत भूलिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक मतलब नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा मिलना जरूरी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मतलब मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, पढ़ देता हूँ, हम लोग पढ़ लेते हैं, एक मिनट, गलातिया मेरे साथ निकालिए, गलातिया का फल देखिए, आत्मा का फल के बारे दिया गया है, हम लोग पढ़ते हैं पांच का 22 में लिखा हुआ, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, ये क्या है, आत्मा का फल है, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये चीज हो गया तो आपको अंदर क्या है, उस पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है। ये नौ फल होना जरूरी है आत्मा को फल पाने के लिए मेरे प्रियो। अगर ये है तो आप आत्मा का अभिषेक पा गए हैं। अगर आप पानी से बपतिस्मा नहीं लिए, अपने उद्धारकर्ता रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए और बपतिस्मा लीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि ये चीज ही आपको क्या करने वाले हैं, स्वर्ग राज में प्रवेश कराएगा मेरे प्रियो। हालेलुया, गलत मत समझिए कि पवित्र आत्मा मिलने से ही मिलेगा बोल के, नहीं, पवित्र आत्मा मिल चुका है। कौन लोगों को मिल चुका है, अगर आपके पास ये चीज है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, अगर ये सब चीज है तो आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया, आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दे। जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता,
आज की मीटिंग के द्वारा तुमने बात ही किया, धन्यवाद देते हैं जितने लोग इस वीडियो को देखे हैं पिता, उनके जीवन को कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता मेश्वर। रिखा लाबा शुदुलो खुरिया रबा लाबा शुदुलो खुरी बखंदा लाबा शुदुलो खुरिया रबा लाबा शुदुलो खुरिया रबा लाबा शुदुलो खुरिया रबा लाबा रिबांदो लाबा शुदुलो खुरिया रबा लाबा लाबा शुदुलो खुरी बा पिता मेश्वर। हरे को तो अभिषेक से भर दे पिता, जितने लोग वीडियो को देख रहे जो बीमार में पड़े हुए हैं उनको बीमारी को तो चंगा कर यीशु के नाम से पिता, उनके दुख तकलीफ को तो बोले पिता मेश्वर। हालेलुया, तूने तो कहा है पितामेश्वर, हे पितामेश्वर तूने कह रहा पितामेश्वर, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ पितामेश्वर, उसी विश्वास के कारण हम तेरे पास आते हैं पिता, हमारे जीव दुर्बलता को दूर कर और नया सिरा से हम लोगों को बना दे पितामेश्वर। हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा सोचना, हमारा समझना, हर एक विषय को तू नया बना दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु जी। रिखा लाबा शदोलो खो रिबा हालेलुया पितामेश्वर, हम नए सिरे से बनने पाए पितामेश्वर, शरीर की हर एक पाप को छोड़ के पिता आत्मा के और देखे पिता, आत्मिक और की दृष्टि करे पिता प्रभु यीशु मसीह के पास हम लोग पिता तेरे वचन के प्रभु तेरे पुत्र के और पिता मिशन के अनुसार चलने पाए, प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलने पाए, ऐसे तू हम पे दया कर अनुग्रह करे पिता मिश्र। जितने लोग देखे पिता इस वचन के अनुसार उनके जीवन तू कार्य कर और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करके तेरे राज्य के लिए कार्य करने पाए, ऐसे उनके जीवन तू कार्य कर पिता मिश्र। जो बीमार में पड़े हुए उनको चंगा कर, जो समस्या में ग्रसित उनको उनके हर एक समस्या को दूर कर पितामेश्वर। घरेलू प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति में जो प्रॉब्लम में पड़े हुए पिता उनकी आर्थिक स्थिति को दूर कर पिता। ये जो पैंडेमिक समय में पितामेश्वर कितने लोगों को नौकरी चले गए पिता, उन परिवार को तेरे हाथों देते हैं पिता, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको भी तू अभिषेक कर पिता, दया कर अनुग्रह कर। हर एक बंधन तू खोल रहा है पितामेश्वर, जो समस्या में फंसे हुए ऐसे भाई को प्रभु दिखा रहे, एक भाई को दिखा रहे प्रभु, उनको हर एक बंधन से छोड़ रहा है, हर एक बंधन से छुटकारा दे रहा है। हालेलुया पितामेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं पितामेश्वर, तेरी महिमा की प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। दया अनुग्रह कर, सच्चाई से भर पिता, सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह।